जिनकी कॉर्ड्स बंधी हुई हैं, इफ यू फील यू आर टाई अप विद द काइंड ऑफ द कॉर्ड्स एंड कॉर्ड्स, इट मे बी द कॉर्ड्स ऑफ द लिविंग वंस और द डेड वंस। कॉर्ड मतलब ये कि आपको ये महसूस होता है कि आपकी चेतना में किसी चीजों से आप बहुत अधिक तक जुड़े हुए हो। मान के चलो किसी के फैमिली, किसी मेंबर की डेथ हो गई है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उससे बंधे हुए महसूस करते हो। उसके लिए यू हैव टू यूज द कॉर्ड कटिंग्स। राइट इट नाउ, लिखिए सब लोग, कॉर्ड कटिंग्स। कोई भी ऐसी चीज, एंड कॉर्ड कटिंग इट मे बी हैपन विद योर प्लेसेस ऑल्सो। मान के चलो बचपन में किसी स्थान पर गए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्थान पर गए हो, उस स्थान पर आप अपनी कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन, कोई भी चीज के द्वारा अपनी चेतना के एक पार्ट को वहां पे छोड़कर आ गए हो। कितनी बार ऐसा होता है, जितनी आपकी चेतना जाती है कि उतनी चेतना घर पर वापस आती है? दिल दे चुके सनम, कभी कोई इमोशन में, कभी किसी इमोशन में आपकी चेतना का कुछ हिस्सा कभी कहीं रह जाता है, कभी किसी से बंध जाता है, कभी किसी से जुड़ जाता है। इन सारी चीजों को मैं टर्म दे रही हूं कटिंग द कॉर्ड्स। कटिंग, कट कट कट, कैसे करेंगे सर? एवरीबडी क्लोज द आईज, तुम्हें पता नहीं चल रहा जो मैं चीज बताना चाह रही हूँ। एवरीबडी क्लोज द आईज। आती भी श्वास और जाती भी श्वास, मैं एक जीवात्मा हूं। मैं अपने आप को जैसे मैं बोल रही हूँ बस उसको फॉलो करोगे, सिंपली एज दिस। मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं इस समय धरती पर जन्मी हूं। यदि मेरी चेतना का कोई भी हिस्सा कभी भी किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी घटना के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो इसी समय, आई कमांड, इसी समय मेरे ऑरा में, मेरी चेतना में वापस आ जाए। आई कमांड माई सेल्फ, आई एम बिकमिंग अ कंप्लीट कॉन्शियसनेस। इफ एनी पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस इज लेफ्ट एनी वेयर इन माई दिस लाइफ टाइम, आई एम इन्वाइटिंग, आई एम जस्ट कॉलिंग माई दैट पार्ट इन टू माई बॉडी राइट नाउ। अब यहाँ पे आप लोग शांत होके बस महसूस करेंगे, देखेंगे आपके ऑरा में कोई भी, उस सब आपके पास लौट कर आ रहा है। जाने अनजाने कुछ भी, मेरा जो पार्ट इमोशनली या किसी भी तरह किसी के भी साथ कहीं है, वो सब वापस मेरे अंदर आ रहे हैं, जो मेरा है, केवल मेरा, दैट्स इट, केवल मेरा आ रहे हैं, मेरे भीतर आ रहे हैं, मेरे भीतर आ रहे हैं, मेरे शरीर में, मेरी चेतना में, मेरे ऑरा में, उनका जो स्थान है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ द हनुमान एनर्जीज, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द हनुमान एनर्जीज, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द शिवा कॉन्शियसनेस। सेफली वी आर डूइंग दिस प्रोसेस। केवल मेरी एनर्जीज, केवल मेरी, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ द हनुमान एनर्जीज अगैन, मेरे सारे चक्रास में, मेरे चक्रास की हर लेयर में, ईच एंड एवरी लेयर ऑफ माई कॉन्शियसनेस, ईच एंड एवरी लेयर ऑफ माई चक्रास, ईच एंड एवरी लेयर ऑफ माई एटम्स, अगर मैंने किसी और व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति की कोई भी ऊर्जा किसी भी रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेग्रेंस,
इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ शेडो, इन द काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ, वो इसी समय मुझे, हमें, हमारे शरीर को, हमारी चेतना को, हमारे ऑरा को छोड़कर जा रही है, जा रही है। वी आर डूइंग दिस प्रोसेस इन द एनर्जीज ऑफ द महावतार बाबा जी। बाबा जी हेल्प अस। जो बाबा जी ने करने के लिए कहा था वो ये था माय डियर फ्रेंड्स। यस, छोड़ दो, वापस जा रहा है, आपकी चेतना को छोड़कर जा रहा है। उसका जो भी स्थान है वो वहां जा रहा है, इस ब्रह्मांड में उसका जो भी स्थान है वो ऊर्जा वहीं जा रही है वापस। अब अपने शरीर के चारों तरफ जल्दी से एक वॉयलेट कलर की सर्कल को बना लो फटाफट से, अ वाइट डीप द पर्पल कलर लाइट इज टोटली सराउंडेड यू। अब मेरे भीतर केवल मेरी ऊर्जा है, केवल मेरी ऊर्जा, टोटली कंप्लीट योर सर्कल विद द पर्पल लाइट। अब उसके बाहर एक और रंग की लाइट बनाओ, गोल्डन लाइट। पर्पल के बाहर बनाओ गोल्डन लाइट, वन मोर सर्कल विद द गोल्डन लाइट, विद द मोर सर्कल विद द रेड लाइट, लाल रंग का बनाओ। आई एम कंप्लीटली सेफ, सेफ्टी, एंड मैं पूरी तरह से, मेरी ऊर्जा, मेरी अपनी ऊर्जा आज मेरे शरीर में, मेरी चेतना में वापस आ चुकी है, वापस आ चुकी है। थैंक यू सो मच ऑल द एनर्जीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दो डियर फ्रेंड्स।